उधमपुर के गोडी ब्लॉक की चेयरपर्सन आरती शर्मा ने शनिवार को अपने ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों का दौरा करके बारिश से लोगों के घरों को हुए नुकसान का जायजा लिया। बारिश के कारण गोडी ब्लॉक के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें सुलगार पंचायत के नेकराम तथा हरतियान पंचायत के परमा तथा चुन्नी लाल के घर को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा है। आरती शर्मा ने अपने दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के एई व जेई को मौके पर बुलाकर सड़क के साथ बने मकानों को हुए नुकसान से अवगत भी करवाया। उन्होंने संबंधित विभागों से अपील की कि जल्द से जल्द बारिश से हुए नुकसान का आकलन लेकर रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से भी अपील की है कि बारिश से प्रभावित हुए लोगों को जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा प्रदान कर राहत दी जाए। आरती शर्मा ने कहा कि ये गरीब लोग हैं और इनमें इतनी क्षमता नहीं कि वे टूटे घरों को खुद से दोबारा बना सके, लिहाजा प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाए। मेरा नाम नेकराम जी, मेरे मकान को ऐसे मतलब दरारें चला गई हैं और उसमें पूरा मकान ही फट गया, मगर ये इन लोगों ने डंप लगाया था, कंपनी वालों ने डंप की वजह से सारा वो मलबा ही बीच में फट गया, वो मेरे मकान को पूरी मतलब पूरे स्क्रैच हो गया। दो मकान मेरे भाई का भी है और मेरा दोनों का। इसका जो भी है गवर्नमेंट देखे इसका क्या क्या हाल, मतलब हमारे गरीब आदमी हम तो ये ठीक हो जाए, किस के कैसे ठीक करना है उन्हें पता है। सर, मेरा नाम आरती शर्मा है, बीडीसी चेयरपर्सन गोडी ब्लॉक से हूँ। आज हम हरतियान पंचायत में आए हैं जहाँ पे जो है बारिश की वजह से और जो हमारा ये रोड बन रहा है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और टीआरएफ कंपनी इनको जो बना रही है, जो इन्होंने जो यहाँ पे मटेरियल डंपिंग किया था उसकी वजह से लोगों का जो नीचे मकान था उसको खतरा हो गया, स्लाइडिंग आ गई है। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना मकान डाला था क्योंकि ये लोग दहाड़ी लगाते हैं, क्योंकि यही तो इनका सोर्स था, इनको दिन को कमाना और रात को खाना, इन्होंने एक पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया था। आज इनको मकान को खतरा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगी कि ये जो भी इनका मुआवजा बनता है या जो भी है इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि ये फिर से जो है अपने घर में रह पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं खुद भी इस बाढ़ पर यहाँ आई थी, तो इस पंचायत के सरपंच भी मेरे साथ थे उस बाढ़ के, तो हमने देखा मौका है, पूरा मकान जो है वो अंदर से उसको जो है स्लाइडिंग हो गई, पानी पूरा अंदर से निकला हुआ है। तो मैंने अभी कंसर्न डिपार्टमेंट से एक्शन पीडब्ल्यूडी और एडब्ल्यूजेई से सभी से बात की है, वो अभी स्पॉट पे आएंगे। जो भी मैं इनको बोला कि जहाँ जहाँ से आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो इनको करवाइए, और क्योंकि बरसात का मौसम है हम इनके मकान को बचा पाएँ।